तभी हमने सारा सामान रखना है। तो आप लोगों को अपनी ड्रेस तो नहीं दिखाती, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मम्मा किधर है? तुमने हम दो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत नेमत और माफ़रत का फिज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी, आप देख रहे हैं ये मालिन सफ़ा तैयार होके कहाँ जा रही हैं। जी आज हम पाकिस्तान के लिए रवाना हैं और एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। जी जैसे कि आप जानते हैं घर से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पे ही हमारा एयरपोर्ट है। जी ये हम पहुंच चुके हैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे और ये मालिन सफ़ा जा रही हैं अपना प्लेन के लिए जहां से बोर्डिंग करवानी थी उस तरफ। ये सामान इकट्ठा हो गए। जी बोर्डिंग पास क्लियर हो गए थे, सामान भी सारा बुक हो गया था और अब हम जा रहे हैं प्लेन की तरफ। जी हमारा स्टे तुर्की में है और आगे क्या क्या किया बच्चों ने, हमने क्या क्या एंजॉय किया तुर्की में, आप भी चलें हमारे साथ एंजॉय करें। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं डायबिटीज़ की पेशेंट हूँ। डायबिटीज़ के लिए स्पेशल मैंने ये किया था कि जब भी हम सफ़र के लिए निकलते हैं तो हमें इंसुलिन की एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेना पड़ती है, तो मैंने 6 पॉइंट एक्स्ट्रा लिए थे क्योंकि जब हम सफ़र करते हैं तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं और शुगर हाई हो जाती है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा इंसुलिन लेना पड़ता है। जी अंदर जाने से पहले सबका कोरोना टेस्ट हुआ था और ये एरोप्लेन में आकर मालिन सफ़ा अपनी सीट पर सेट हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप आगे हमारे साथ एंजॉय करें आसमान का व्यू और एरोप्लेन का। जी ये थी हमारी वीडियो।
हमारा तुर्की में स्टे था, तुर्की में हम उतरे, 3 घंटे स्टे था, खाना खाया, तुर्की फूड को एंजॉय किया, तुर्की मार्केट्स घूमे, एयरपोर्ट देखा। अब हम दोबारा तुर्की से पाकिस्तान के लिए रवाना हैं, और ये देखें तुर्की का व्यू कितना खूबसूरत है, और ये मालीन अपने कैमरे में अलग से वीडियो बना रही है। जी ये था जी आज का हमारा सफ़र। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पहुंच चुके हैं अपने मुल्क पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जब एरोप्लेन उतरा तो दिल बाग बाग हो गया, और पाकिस्तान की मिट्टी की खुशबू सूंघते ही दिल फ्रेश हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इंसान कहीं भी रह ले, कहीं भी चला जाए, लेकिन जब भी अपने मुल्क में आता है सुकून मिल जाता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है, भले पाकिस्तान जैसा भी है, यूरोप के मुकाबले में इतना नहीं कंपेयर हम कर सकते, लेकिन जब भी पाकिस्तान आते हैं इतना दिल खुश होता है। और बस आप मेरी फीलिंग समझ रहे हैं, जो भी पाकिस्तानी फीलिंग देख रहे हैं वीडियो। जी ये पहुंच गए हम बाहर, एयरपोर्ट से निकल आए हैं, और ये देखें जी अब तो दिल और बाग बाग हो गया था। जैसे जैसे बाहर जा रहे थे अपने पाकिस्तानियों को देखना, अपने पाकिस्तानी फैमिली को देखना, और मालिन सफ़ा की स्माइल देखें, सफ़ा भी पाकिस्तान आके खुश हो गई है, मालिन भी माशाल्लाह पाकिस्तान खुश हो गई, क्योंकि मालिन और सफ़ा ने पाकिस्तान में एक स्पेशल बेबी से मिलना था, जारियान बेबी, और वो बहुत एक्साइटेड थी, और वो समझ रही थी कि शायद जारियान उनको रिसीव करने भी आया होगा। लेकिन पाकिस्तान में भी काफ़ी सर्दी हो चुकी है, ये हमें एयरपोर्ट से बाहर निकल के अंदाज़ा हुआ था। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा, कोरोना की वजह से जो हमारे डर थे वो बिल्कुल गलत साबित हुए, बहुत अच्छा सब कुछ रहा। सो ये थी हमारी वीडियो, हम चलते हैं घर की तरफ, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।